तो स्टूडेंट्स, आज हमारा न्यू टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। तो जैसे हमने बताया था कि बोन्स क्या होते हैं, हार्ड इन स्ट्रक्चर होते हैं, जबकि कार्टिलेज सॉफ्ट होता है, यानी ये नरम होता है, सॉफ्ट बोन है। तो कार्टिलेज सॉफ्ट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। एक तो ये क्या होती है बच्चे, सॉफ्ट है और फ्लेक्सिबल है। ये देखें क्या है, इसको आप फोर्स लगा के छोड़ेंगे दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी, ये फ्लेक्सिबल कहलाता है। तो नरम हड्डी या कार्टिलेज सॉफ्ट भी होती है, नरम भी है, फ्लेक्सिबल है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकती है, फॉर्म ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और ये कनेक्टिव टिश्यू है, क्या है, और जिन सराउंडेड बाय अ लेयर कॉल्ड पेरिकोंड्रियम। तो याद रखें, कार्टिलेज को जिस लेयर ने घेरा हुआ है, इस लेयर का नाम क्या है, पेरिकोंड्रियम इसका नाम है। इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्केलेटन, ये इंसानों के स्केलेटन में भी मौजूद है, एंड रिगार्डेड एज प्रीकर्सर टू बोन इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। और याद रखिएगा, ये क्या करती है, यानी जो एम्ब्रियो डेवलप होता है वहां पर बोन्स के फॉर्मेशन में भी इसका काम होता है। कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन ज्वाइंट्स टू प्रोवाइड कुशन। याद रखिएगा बच्चे, आप अगर अपने जॉइंट्स में देखेंगे, यहाँ टांग में भी, यहाँ पर भी एक नरम हड्डी होती है, हाथ लगा के अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ इस बोन का जॉइंट्स में क्या काम है, ये जॉइंट्स, जॉइंट क्या होता है स्टूडेंट्स, वेयर टू बोन्स मीट ईच अदर, जहाँ दो हड्डियां आपस में मिल रही है, सही है, ये सारी क्या कहलाएंगी, जॉइंट। तो जॉइंट्स के अंदर क्या होता है, ये कार्टिलेज का काम क्या है, कुशन का, कुशन किसे कहते हैं, कुशन, जैसे बच्चे उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं बाइक में, क्यों लगे होते हैं, ताकि वो प्रेशर को बर्दाश्त करे, तो ये भी कुशन का काम करेगा। अब ये क्या करता है, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन बोन। बच्चे अगर ये कार्टिलेज नहीं होगी, नरम हड्डी, तो ये हड्डियां आपस में रगड़ रगड़ के क्या हो जाएंगी, खत्म होंगी, तो ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा, रगड़ को कम करेगा। गिव देम प्रोटेक्शन, तो इस तरह की क्या हो जाएगी, प्रोटेक्शन हो जाएगी फ्रॉम कंप्रेसिव फोर्सेस एंड वेट बेयरिंग स्ट्रेसेस ड्यूरिंग मूवमेंट। बच्चे अक्सर हम भारी वजन भी उठा रहे होते हैं, सही है, तो उस वक्त ये चीज इन चीजों का काम करती है, सही है ना, और इस तरह हमें कैसे बचाती है, उन कंप्रेसिव फोर्सेस से बचाती है। और जो हमें वेट बेयरिंग, यानी वेट जब उठाते हैं, जो मजदूर बहुत ज्यादा वेट उठाते हैं, उनके लिए भी ये हेल्प करता है, सॉफ्ट बोन उसको यानी मूवमेंट में आसानी करता है। कार्टिलेज गेट न्यूट्रिशन फ्रॉम देयर सराउंडिंग टिश्यूज बाय डिफ्यूजन। अब ये जो सॉफ्ट बोन है, अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ले रही है, टिश्यूज से लेती है, किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन में। डिफ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इस प्रोसेस के जरिए होगा। दे लीक ब्लड वेसल्स, याद रखिएगा इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं है। अब आप बोलेंगे सर क्यों नहीं है, तो याद रखेंगे इनमें डिफ्यूजन के जरिए चीजें आ रही है, तो इनको ब्लड वेसल की जरूरत नहीं है। देयरफॉर दे ग्रो एंड रिपेयर स्लोअर देन अदर टिश्यू। अब इसका एक नुकसान क्या हुआ, ब्लड वेसल ना होने से इनमें कहीं कट लग जाए तो ये स्लो रिपेयर होंगे और देर से ये ग्रो होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कार्टिलेज इज इनिशिएटेड बाय कोंड्रोब्लास्ट सेल, याद रखिएगा कार्टिलेज कौन बनाता है बच्चे, फॉर्मेशन कोंड्रोब्लास्ट सेल्स, कौन से सेल्स बनाएंगे, कोंड्रोब्लास्ट सेल्स। ये कहां पाए जाते हैं, लोकेटेड इन आउटर कवरिंग ऑफ द डेवलपिंग बोन। याद रखिएगा जो बोन बन रहा है उसके बाहर के साइड में ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं, और यही क्या फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, कार्टिलेज, एंड डिवाइड टू फॉर्म कोंड्रोसाइट सेल्स। बाद में ये मजीद तकसीम होकर क्या बनाएंगे, कोंड्रोसाइट सेल्स बनाएंगे। दे आर कंसंट्रेटेड इन लेसुनी इन द कार्टिलेज। हमने कहा था बोन के अंदर छोटे छोटे स्पेसेस थे, उनको लेसुनी नाम दिया था, लेटुना, उसके अंदर ये फिर क्या होंगे, जमा हो जाएंगे, कंसंट्रेट हो जाएंगे, एंड प्रोड्यूस फॉर्म मैट्रिक्स, और मजबूत वहां एक अरेंजमेंट हो जाएगी कि उस अरेंजमेंट में मैट्रिक्स में क्या क्या होगा, कोलेजन प्रोटीन्स होंगे, प्रोटियोग्लाइकेंस। प्रोटियोग्लाइकेंस दो चीजों से मिलकर बनी है, सल्फेट और प्रोटीन से, सही है बच्चे, इसीलिए इसको कहा प्रोटियोग्लाइकेन, एंड सम नॉन कोलेजिनियस प्रोटीन्स टू डेवलप कार्टिलेज। तो ये सारे यानी चीजें उसमें पाई जाती हैं, सही है, कार्टिलेज के अंदर। देयर आर थ्री टाइप ऑफ कार्टिलेज एसोसिएटेड विद स्केलेटन। हमारे स्केलेटन में कितने टाइप ऑफ कार्टिलेज हैं,
और ये स्ट्रक्चर में भी डिफरेंट है और फंक्शन में भी डिफरेंट है। एक है बच्चे हेलाइन कार्टिलेज, क्या होती है? इज प्रेजेंट इन बिटवीन रिब्स एंड स्टर्नम नोज एंड एट बोन सरफेस इन मेनी जॉइंट्स। याद रखें, इधर देखें, हेलाइन जॉइंट्स कहां? एक तो रिब्स में, ये देखें, ये हमारा जस्ट चेस्ट के अंदर ये जो बोन है ये भी कार्टिलेज है। तो एक तो रिब्स में कार्टिलेज पाया जाता है, हेलाइन कार्टिलेज कहां पाया जाता है? रिब्स में। और स्टर्नम कौन सी बोन है? यहां बीच में, यहां बीच में एक बोन है, इसको क्या कहते हैं? स्टर्नम कहा जाता है, जिसमें रिब्स अटैच होती है फ्रंट साइड से, वो स्टर्नम कहलाती है। तो हेलाइन बोन के एग्जांपल क्या है? रिब्स है, स्टर्नम, नोज है और जॉइंट्स के सरफेस में जो बकेट है, स्मूथ सरफेस। हेलाइन वालों की सरफेस स्मूथ होती है, जिसकी वजह से टिश्यूज एक दूसरे पर स्लाइड कर सकते हैं, सही है। दूसरा फाइब्रो कार्टिलेज है। फाइब्रो कार्टिलेज हार्डेस्ट अमंग अदर कार्टिलेज, ये दूसरे कार्टिलेज के नस्बत हार्ड होते हैं। इट इज प्रेजेंट एज इनवर्टिब्रल डिस्क। एक तो ये हमारे यहाँ पे जो वर्टिब्रल है इसमें पाए जाते हैं, सही है। नी जॉइंट्स, नी किसे कहते हैं? ये जो घुटनों के जॉइंट्स थे, ये कौन सी, कौन से पाए जाते हैं? फिब्रियो कार्टिलेज पाया जाता है नी जॉइंट में। एंड इन पेक्टोरल गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल कौन सी होती है? ये जो टांगों के साइड में ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर, इनमें भी कौन सा पाया जाता है? फिब्रियो कार्टिलेज पाया जाता है। और तीसरी कौन सी है? इलास्टिक कार्टिलेज इज द मोस्ट फ्लेक्सिबल, सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, ये देखिए क्या है, मोस्ट फ्लेक्सिबल है एंड स्ट्रॉन्ग कार्टिलेज। इट इज लोकेटेड इन पिन्ना ऑफ द ईयर, पिन्ना ये आउटर साइड ऑफ द ईयर को पिन्ना कहते हैं, सही है। ये तो ये इलास्टिक कार्टिलेज, ये कौन सी है? इलास्टिक। एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑडिटरी ट्यूब्स, ये देखें यहाँ से अंदर जो ऑडिटरी ट्यूब्स जा रही है उसमें भी कुछ कार्टिलेज है। एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस कहाँ पे? ये यहाँ पे, नेक रीजन में,